हेलो एवरी वन टू डे वी विल सोल्व एक्सरसाइज सिक्स टू क्लास नाइन एन सी आर टी मैथ एंडर इज गिवन दिस एंगल इज 50 डिग्री दिस एंगल इज एक्स दिस एंगल इज वाई एंड दिस एंगल वन हंड्रेड थर्टी डिग्री फर्स्ट वी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर डैट इट इज प्रूव डेट ए बी इज पैरल टू सी डी तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर ये प्रूव करना है कि शो करो ए बी ये लाइन सैगमेंट ए बी है सी डी के पैरल होगी ये देखिए एंगल 50 प्लस एंगल एक्स ये क्या है लीनियर पेयर है स्ट्रेट लाइन पर है तो इन दोनों का सम क्या होता है वन एट्टी तो इसको यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं मतलब फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स कुछ नाम देना चाहो नाम दे देते चलो ए बी सी डी इस पॉइंट को नेम दे दो ई e, इसको हमने दे दिया एक एफ इस तो इस एंगल को लिखने के लिए लिख दिया ऐसा ए ई e, एफ हो जाएगा ना ए बी सी डी ई एफ ये पॉइंट हमने दे दिया जी ये पॉइंट है ना जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको नाम दे दिया जी और ये हम दे देते हैं एच ओके तो चलो लिखते हैं क्या होगा देखो लिख देता हूं एंगल ए ई एफ फिगर में A, e, F, ए ई एफ यानी कि ये फिफ्टी प्लस एंगल ए e, इसको नाम दिया जी क्या एंगल है ना एईजी e, प्लस एंगल एईजी e, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा क्यों होगा क्योंकि दीज आर लीनियर पेयर एंगल तो एफ e, की वैल्यू ये रही ए ई एफ कितना है 50 डिग्री तो 50 डिग्री प्लस ए ई जी क्या है एक्स इसकी जगह एक्स लिख लीजिए इट्स इक्वल 180 डिग्री तो ये x की वैल्यू निकल आई एक्स इज इक्वल वन हंड्रेड थर्टी आ गया माइनस फिफ्टी और ये हो गया वन हंड्रेड थर्टी डिग्री आप एक के आगे मत लिखना है ना इसको मतलब ऐसे नहीं लिखना चाहिए चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ तो इट इज द वैल्यू ऑफ एंगल x क्लियर अब जरा वाई देखें वाई की वैल्यू क्या है ये और ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वाई किसके होगा इसके ये कौन सा है वर्टिकली अपोजिट एंगल बाइक तो को हम वैसे क्या लिखेंगे एंगल ई e जी डी इक्वल टू होगा एंगल सी जी एच या एच जी जी सी कुछ भी लिख लो आप है ना चलो लिखते हैं हम बाइक को लिखा हम ई जी डी तो लिखोगे एंगल ई जी डी इज इक्वल एंगल ये इसको क्या लिखेंगे सी जी एच ठीक है ना जी तो एंगल है यार कौन से लिखेंगे सी जी एच एच जी सी एंगल लिखना आप जानते हो नाइन्थ क्लास में आ चुके हो तो सी जी एच कॉस टिकली क्या था वाई तो वाई इक्वल टू आ गया वन हंड्रेड थर्टी देखो एक्स और वाई बोथ आर इक्वल है ना एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स की वैल्यू वन हंड्रेड थर्टी वाई की भी वैल्यू वन हंड्रेड थर्टी तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई अब जरा फिगर में एक्स वाई देखें फिगर में एक्स वाई कहां है फिगर में ये एक्स है ये वाई है ये कैसे एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बताया था और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो ये लाइन कैसी होती है पैरल तो प्रूफ हो गया तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई वट दीज आर दीज से मतलब ये दोनों एंगल एक्स एंड वाई दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हैं और क्या है इक्वल भी हैं एंड दे आर इक्वल अगर इक्वल होंगे अल्टरनेट इंट्री हमने बताया थे वीडियो में अल्टरनेट इंट्रिय तो कोई भी दो लाइन हो अंदर की तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल होते हैं एक छोड़कर एक एंगल होता है अल्टरनेट अगर इक्वल होते हैं तो जो ये दोनों लाइन जिस पर बनने हैं कौन सी थी एक ए बी और सी डी ये एंगल इसके इक्वल हो तो क्या होगा ये दोनों लाइन क्या होंगी पैरल होंगी और दूसरा इसका रिवर्स अगर ये पैरल है तो हंड्रेड परसेंट ये एंगल इसके इक्वल होगा अब यहां रिवर्स हुआ ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करा इसका मतलब लाइन सेगमेंट ए बी एन सी डी आर पैरल यही प्रूव करना था एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी वो गई एक्स वाई की वैल्यू आ गई फिर ये कॉस लिखना पड़ेगा बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दे आर इक्वल इक्वल होना जरूरी है जब इक्वल होंगे तो दिस इंप्लाइज लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरल टू सी डी यही हमें प्रूव्ड करना था, था प्रूव हो गया ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर टू इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरल टू सी डी एंड सी डी पैरल टू ए ए रखा है ये एंगल एक्स ये वाई ये जेड और एंगल वाई और जेड के बीच में रिसो एंगल वाई एंड जेड इज इक्वल थ्री इज टू सेवन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है चलिए करते हैं तो देखो हमें गिबिन है कि ए बी इज पैरल टू सी डी चलो सोल्यूशन ये तो गिबिन हमने लिख लिया ओके थोड़ा बड़ा कर लेते इसे हमें क्या गिबिन है कि ए बी पैरल टू सी डी एंड सी डी पैरल टू ई एफ अब ए बी लाइन सेगमेंट थी ये इसके पैरल है और ये इसके पैरल है तो ये लाइन इसके पैरल होगी है ना ये एग्जाम्स वगैरह वाले चैप्टर छोड़ा दिया है वो अब सिलेबस में नहीं है उसमें बताया था टू थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर तो क्या होता है वो वी आपस में इक्वल होती हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू अदर थिंग्स मतलब दो हैं वो एक तीसरी चीज के इक्वल है पहली एक तीसरी चीज के इक्वल है दूसरी तीसरी चीज के इक्वल है तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगी इसी तरह लाइन में पैरल होता है ये लाइन इसके पैरल है और ये लाइन इसके पैरल है तो ये दोनों भी आपस में होंगी है ना ये रूल्स होता है तो ए बी पैरल टू सी डी है एंड सी डी पैरल टू ई एफ तो दिस इंप्लाइज ये सिंपल तो इससे बोलते हैं इससे क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि ये पहली और तीसरी लाइन भी आपस में पैरल होंगी यानी कि ए बी पैरल टू ई एफ तो लिख लो तो दिस इंप्लाइज ए बी पैरल टू ई एफ अब दो लाइन पैरल हो बीच वाली लाइन को आप भूल जाओ तो एक पहली और तीसरी की बात चल रही ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल ये जो एक्स है और जो एंगल जेड है इस तरह के एंगल क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये क्या होंगे आपस में इक्वल समझ में आ गया तो लिख दोगे एक्स इज इक्वल टू जेड तो क्या हुआ इससे एक्स इज इक्वल टू जेड क्यों बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं क्लियर अब जरा ये फिगर देखो ऊपर द्वारा से ये लाइन हमें पैरल दे रखी थी कौन सी ए बी पैरल टू सी डी है ना एबी पैरल टू सी डी तो ये क्या है को इंटीरियर एंगल एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है ना आ, हमने वीडियो में पहले डिस्कस करा था अभी फिर कह रहा हूं अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जरूर देख ले नहीं ये प्रॉब्लम होती रहेगी कोई इंटीरियर एंगल क्या होता है और इनका क्यों होता है उसमें हम सब डिस्कस कर चुके हैं ना तो ये क्या कहते हैं एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये कब होता है टू लाइन पैरल हो एक ट्रांसवर्सल हो तो सेम साइड के एंगल का सम क्या होता है इसका मतलब एक्स प्लस वाई क्या होगा और इक्वल टू हम नीचे प्रूव कर चुके सॉरी एक्स इक्वल टू जेड तो एक्स की जगह हम जेड भी लिख देंगे चलो चला करते हैं तो ये हो गया तो क्या हुआ चलो दोबारा से लिख दे रहा हूं कि ए बी इज पैरल टू सी सो देर फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री और एक्स इक्वल टू हमने जेड प्रूव कर दिया तो एक्स के प्लेस पर हम जेड लिख सकते हैं जेड प्लस वाई इज

same side sum of the angles sum of the angles of the same sides sum of the angles of the likh of the same sides of the transversal niche likh diya galti kari chote chote ho gaya okay yahan tak clear अब हमें जो given है क्या given है चलो दोबारा से लिख देते हैं ये given था y इज टू जेड इज इक्वल थ्री इज टू सेवन ये हम पहली कई बार बता चुके हैं जब कभी भी रेसो में एंगल एंगल से नहीं कुछ भी हो दे रखा हो तो हम वही मानते हैं कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल साथ लगा देते हैं कि वाई इक्वल टू थ्री एक्स और जेड इक्वल टू सेवन एक्स लेकिन यहाँ एक्स ऑलरेडी गिविन है तो वो वेरिएबल यूज करेंगे जो नहीं है तो हम के लगा देते हैं तो लेट वाई इज इक्वल टू जो भी रेसो थ्री थ्री के साथ एक वेरिएबल थ्री के हमने मान लिया वाई की वैल्यू थ्री के है एंड दूसरा क्या है जेड और जेड इक्वल टू सेवन के ओके okay, तो एंगल वाई अगर पूछेगा उसकी वैल्यू थ्री के और जेड पूछेगा तो सेवन के अगर एक्स भी पूछता तो एक्स इक्वल टू जेड है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है सेवन के है ना लेकिन इसमें सिर्फ एक ही एंगल पूछा है और शायद एक्स ही पूछा है, देखेंगे अभी तो ये पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में वाई की जगह थ्री के और जेट की जगह सेवन के ओके चलो लिख देते पुट दिस वैल्यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन वी ट वन का जीरा जेट द वैल्यू ऑफ जेड इज सेवन के दिखाता हूं कितने होते हैं टेन के इज इक्वल वन एट्टी सो वैल्यू ऑफ के विली अपॉइंटेन जीरो से जीरो कैंसिल सॉरी के की वैल्यू आएगी एट्टीन ये तो के की वैल्यू निकल के आई है फाइन क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इसमें केवल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स इक्वल टू किसके था एक्स इज इक्वल है 7K, है ना और जेट बराबर किसके है सॉरी सेवन के और बराबर किसके है के तो एक्स इज इक्वल है जेट और जेट की वैल्यू है सेवन के तो सेवन इंटू एटीन वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स होते हैं तो वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स दो वैल्यू निकलेंगे किस किस की एक्स की भी निकलाई जेड की भी बस इतना ही पूछा है लेकिन हमें बाई की निकाल देता हूं अगर बाई चांस वाई की पूछ ले तो वाई की भी निकाल दोगे आप सिंपल 3K, वाई बराबर किसके था थ्री के ये वाई इक्वल टू थ्री के ये निकालना नहीं है मैं निकाल देता हूं तो थ्री इन टू एटीन फिफ्टी फोर तो ये तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए और लिएड तो इक्वल है तो एक्स वन ट्वेंटी सिक्स और जेड भी वन ट्वेंटी सिक्स वाई इज इक्वल फिफ्टी फोर आपको सिर्फ यहां तक करना है ये मैंने निकाल दिया बाई चांस पूछ ले क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना तो आपके समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर टू नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन ए बी इज पैरल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी ये इस परपेंडिकुलर है और एंगल जी ईडी ट्वेंटी सिक्स डिग्री तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जी ई G e F एंड एफ G इतना क्वेश्चन है बस तो देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है वो हमने लिख लिया है ये लाइन सेगमेंट यानी कि ए बी पैरल है सी डी के और ये इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री और ये भी 90 होगा है ना चलिए करते हैं फाइंड हमें ए जी ई निकालना जरा ए जी ई ए जी ई कौन सा एंगल है ए जी ए ये तो है ए और ये किसके वैसे GED इस पूरे होगा नहीं होगा ये कैसे एंगल होंगे क्योंकि जीईडी जीईडी तो तो GED. तो GED हमें दे रखा है GED 126. तो पहला पार्ट तो ओरली हो गया एजी की वैल्यू कितनी हो गई वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स लेकिन करेंगे कैसे लिखना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ चलिए दिखते हैं तो लिखो एंगल ए जी ई इज इक्वल एंगल जी ई डी देखा ए जी ई इज इक्वल होगा एंगल जी ई टी क्योंकि एवी पैरल सी डी गिबिन है अगर बी पैरल सी डी गिबिन नहीं होती तब ये इक्वल नहीं होते है ना और कॉज लिख दोगे कॉज क्या है चाहो लिख सकते हो तो पहले तो इसकी वैल्यू लिख दो एंगल ए जी ई की वैल्यू आ गई वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स डिग्री फर्स्ट एंगल तो ये फाइंड हो गया यहां कॉज रहा था मैं ये कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो ए जी ई तो निकलाया अब सेकेंड है एंगल जी ई एफ एंगल जीई -E जरा फिगर में देखें जीई एफ -E है एंगल जी -E ये रहा कौन सा ये छोटा सा ओके तो देखो क्या होगा इस पूरे बड़े एंगल में से अगर एफ ईडी -E को सपरेट कर दें कौन से बड़े में से -E में से बड़े एंगल में में मैं ये पोर्शन हरा दूं तो क्या बचेगा यही तो बचा नहीं आई वैसा दादा देखो देखो यहां बना देता हूं रफ अच्छा एक मिनट रुको और आपको रफ दिखाई देता हूं देखो ये फिगर थी जीई पॉइंट है एफ यहां एंगल फाइंड करना है ये हमें पूरा दे रखा है ये कितना था 126 और ये कितना है 90 तो इस 126 में से अगर मैं 90 को हटा दूं मतलब सब्ट्रेट कर दूं मतलब कर एंगल हटा के अलग कर दू में से इस पूरे में से इतना हटा दूं तो ये तो बचेगा कौन सा हटा दूं ये हटा दूं क्या बचा ये तो यानी कि एंगल जी -E बराबर क्या होगा एंगल जी ईडी -E माइनस एंगल डी -E ओके समझ में आ गया वो लिख देते हैं तो सेकंड था जी ई एफ जी एफ क्या होगा जीईएफ होगा एंगल जीईडी माइनस एंगल एफ ई टी जी ईडी की वैल्यू दे रखी है 126 और ये दे रखी मैं नाइनटी पर पेंडिकुलर ना तो ये कितना हो गया 36 हो गया हाँ 36 सिक्स थर्टी सिक्स आंसर आ गया देखो दोबारा देख लो ये था ये पूरा एंगल है इसमें से अगर ये सब कर दें ज्यादा पोर्शन तो ये तो बचेगा इस पूरे में से यहां से यहां तक का हटा दो तो ये बचा ये कौन सा है जी ई एफ जी ई एफ फाइंड करना था तो जी एफ e आ गया थर्टी सिक्स ओके अब हमें थर्ड पार्ट करना है एंगल एफ जी ई e, अब जरा एफ जी ई e देखे है का फिगर में एफ जी ई गया ये तो ये भी बहुत सिंपल है क्योंकि हम ए जी ई तो फाइंड कर चुके तो ए जी ई प्लस एफ जी ई ये कैसे है लीनियर पेयर दोनों तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 तो ये लिख लो एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई ए जी ये भी निकाला सबसे पहला जीरा वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स है ना तो लिख लो एंगल एफ जी ई प्लस एंगल वन हंड्रेड एट्टी डिग्री क्यों है नीचे लिख दो बिकॉज दीज अगर सामने ब्रैकेट में लिख दो अगर जगह नहीं तो नीचे लिख सकते हो लीनियर पेयर एंगल क्योंकि ये कैसे हैं लीनियर पेयर एंगल्स तो हमें निकालने किसकी वैल्यू थी एंगल एफ जी ई की ए जी ई कितना है वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल वन हंड्रेड एट्टी डिग्री तो इट इज इक्वल किसको होगा ये एंगल एफ जी ई इज इक्वल वन एट्टी माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स फोर तो थर्टी फिफ्टी फोर हो गया सब कराया बस और कुछ नहीं कर टेंशन लो तीनों एंगल निकला है एक आ गया पहला 126, 36, है जी ई एफ जो निकाला था हमने जी ई e एफ एंगल GEF एफ कितना आया था एंगलो ओके वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इन दिस क्वेश्चन दिस फिगर इज गिविन एंड इट इज गिवन दिस लाइन सेगमेंट पी क्यू इज पैरल टू एस टी तो फाइंड करना हमें फाइंड द एंगल क्यू आर एस ये एंगल फाइंड करना है तो चलिए करते हैं देखो क्या करें ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको पहले एक तरीके देखो आर से इसके पैरल एक लाइन ड्रॉ कर लो ठीक है ना जो पास किसके पैरल चाहे पी क्यू ले लो चाहे एस टी क्योंकि हो पी क्यू पैरल एस टी के है अगर हम ये लाइन सेगमेंट पी क्यू के पैरल ड्रॉ करी तो एस टी के तो ऑलरेडी होगी होगी इसको कुछ नेम देना चाहो पी क्यू आर एस टी ए से यू दे दो इससे बी दे दो पहला तरीका मेथड ये ओके तो लिखना चाहे लिख सकते हो चलो लिख देता हूं मैं ड्रॉ यू वी पैरल टू एस टी पासिंग थ्रू कहां से आ रही है जो? आर से, पासिंग, आर बस। एक सकती हो। तो यूवी पैरल एस टी के तो यूवी किसके होगी और यू आर पैरल होगी पी क्यू के क्योंकि ये पैरल इन दोनों लाइन सेगमेंट के होगी क्यों क्योंकि ये पैरल इसके है और ये लाइन इसके पैरल ड्रॉ करी है तो ये लाइन इसके ही पैरल होगी इस लाइन को मैंने यहां तक लिख लिया खाली यू आर तक यहां तक क्लियर अब चेरा यहां देखो लाइन इसके पैरल है अभी हमने कही है बाई कंस्ट्रक्शन तो यह ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम क्या होगा वन होगा तो बस लिख दो इस एंगल को क्या लिखेंगे या तो एक तरीका होता है ऐसे कर लो शॉर्ट में लिखना हो और वरना एंगल लिखोगे तो क्या लिखोगे एंगल एस आर बी प्लस एंगल आर एस टी चलो मैं पूरा नाम लेकर लिख देता हूं तो देखो एंगल एस आर बी प्लस एंगल आर एस टी इज इक्वल वन हंड्रेड एटी डिग्री कहा एस आर बी मतलब यल एंगल है ना और आर एस टी मतलब ये 130 क्यों है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हैं तो इसका सम हो गया वन इससे एंगल एस आर बी आर एस टी हमें दे रखा है कितना 130 180 तो एस आर बी निकला आया फिफ्टी डिग्री क्योंकि 180 एट्टी माइनस वन थर्टी, तो एस आर बी आ गया 50 डिग्री एक एंगल निकलाया कौन सा यह वाला एंगल निकलाया तो मैंने यहां लिख दिया चलिए ओके सिमिलरली नाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल क्या होगा 180 में से 110 सबट्रैक्ट करें 70 आ जाएगा 70 सेवेंटी क्लियर इसको मैं यहीं लिख दूं पास में यहीं लिख देता हूं ना आपके लिए आप क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है चलो मैं लिख देता हूं PQ इज पैरेलल टू UR सो so, PQR एंगल PQR प्लस एंगल ये इसको क्या लिखेंगे यू आर क्यू या क्यू आर यू कुछ भी लिख दो एंगल यू आर क्यू इज इक्वल वन एट्टी डिग्री पी क्यू आर की वैल्यू ये देखिए कि कितनी वन हंड्रेड टेन डिग्री वन टेन है ना मैंने गलत तौर लिया था वन हंड्रेड टेन डिग्री प्लस एंगल यू आर क्यू इट इज इक्वल वन हंड्रेड एट्टी तो एंगल यू आर क्यू भी निकला सेवनटी डिग्री क्योंकि वन हंड्रेड टेन को उधर ले जाओगे वन एट्टी माइनस वन हंड्रेड टेन सपरेट करना तो आप लोग जानते हैं तो इट इज द वैल्यू ऑफ एंगल यू आर क्यू फिगर में मैं लिख देता हूं यू आर क्यू क्या है ये रहा ये एंगल भी निकलाया ये कितना सेवनटी डिग्री ये निकालना है अब शायद आपका दिमाग चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है क्योंकि ये तीनों एंगल का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस स्ट्रेट लाइन हो जाएगी वन एट्टी होगा तो आक्यू आर एस निकलाएगा सिक्सटी आ गया है ना लेकिन मैं करूंगा चिंता मत करिए करता हूं तो अब क्या लिखेंगे एंगल यू आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर बी इज इक्वल टू वन एट्टी ए प्लस ये प्लस ये वन एट्टी हो जाएगा ये तो क्लियर लिख दू चलिए लिखते हैं ओके तो ये लिख लिया हमने यू आर क्यू की पहले सेवेंटी डिग्री क्यू आर एस हमें फाइंड करना है एस आर आरबी फिफ्टी तो सेवेंटी प्लस फिफ्टी कितना हो गया वन हंड्रेड ट्वेंटी प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल वन एट्टी डिग्री तो आगे आंसर एंगल क्यू आर एस एज वन एट्टी माइनस वन ट्वेंटी वन एट्टी में से जब हम वन ट्वेंटी को सब करेंगे तो कितना निकल के आएगा सिक्सटी डिग्री तो ये हो गया आंसर सिक्सटी डिग्री ओके अब दूसरा मेथड समझ लो ओरली समझाऊंगा मैं अपने आप करोगे देखो फिगर ये दे रखी थी ये लाइन इसके पैरल ये एंगल दे रखा था वन हंड्रेड टेन डिग्री और ये एंगल देखा है 130 डिग्री ओके अब क्या करेंगे ये लाइन इसके तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया यहां तक तो ये ट्राइंगल पूरा कर लिया ये नाम दे देता हूं ये था Q P Q R S T इसको मान लो U अगर दूसरे मेथड से कर रहे हो अब देखो ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पेयर तो इन दोनों का संबंध एट्टी होगा तो ये निकाल सकते हो वन में से वन हंड्रेड करोगे सेवेंटी आ गया यहां तक क्लियर ओके okay, अब जरा इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो बढ़ा दिया क्योंकि पैरेलल है तो इन दोनों का सम क्या होता है वन एट्टी कितना है और नहीं वैसे नहीं ये और ये क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर ये वन थर्टी तो ये भी क्या होगा कितना होगा अल्ट, अरे दो लाइन पैरेलल हो तो ये एंगल इसके कल होता है दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल क्या नहीं ये सॉरी ये होगा ये वन थर्टी तो इससे ही होगा ये निकालो इन दोनों का सम क्या होगा 180, तो 180 में से वन थर्टी फिफ्टी जब यह फिफ्टी प्लस में से वन ट्वेंटी तो 60 इसे अपने आप ट्राई करोगे अगर आपको इस चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मैं इसको भी कर दूंगा ओरली समझा दिया मैंने हो जाएगा है ना नाउ नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव ना क्वेश्चन नंबर फाइव दिस फिगर इज गिवन ए बी पैरल टू सी टी एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री दिस एंगल इज गिवन 127 डिग्री दिस एंगल एक्स एंड दिस एंगल इज वाई तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई तो एक्स तो बहुत सिंपल सा हो गया मैं आपको बड़ा फिगर करके दिखाता हूं कैसे ये लाइन पैरल है तो फिफ्टी इक्वल टू एक्स होगा क्योंकि ए पी क्यू इक्वल टू होगा आर क्यूपी दो लाइन पैरल हो एक ट्रांसफर तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लिख दो पहला कि एंगल आर क्यू पी कौन सा आर क्यूपी यानी कि एक्स जो है इक्वल होगा एंगल ए पी क्यू क्यों होगा ये ब्रैकेट में लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कैसे है? अल्टरनेट हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसकी वैल्यू x है और ये हमें दे रखी है फिफ्टी तो x की वैल्यू तो बड़ी जल्दी निकल आई फिफ्टी डिग्री ओके अब बाई निकालना है ये भी अल्टरनेट से निकलेगा देखो फिगर में देखो ए पी आर ये पूरा फिफ्टी प्लस बाई मिलकर ये बराबर होगा इसके ये लाइन इसके पैरल ये ट्रांसफर तो यहां से लेके यहां तक का एंगल इसके गुआ अल्टरनेट इंटीरियर चलो मैं लिख देता हूं ये चाहिए और लिखनी चाहिए वैसे मैंने लिखनी कि ए बी इज पैरल टू सी डी सो एंगल ए पी आर इज इक्वल एंगल डी आर पी अभी दिखाऊंगा फिगर में आपको देखो ये देखो ए पी आर ये यहां से लेके यहां तक का तो वो एपीआर ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा इस पूरे के डी आर पी है ना क्लियर अब एपीआर को हम क्या लिख सकते हैं एपीआर एंगल किसके इक्वल है देखो एपीआर पूरा एंगल किसके बराबर ये फिफ्टी है फिफ्टी प्लस, तो प्लस वाई लिख सकते हो तो यहां लिख लीजिए फिफ्टी प्लस वाई डी आर क्यू किसके कौन है जीरा वन डी आर ऊपर है ना वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन डिग्री तो वाई की वैल्यू आ गई वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टी यानी कि 77 सेवन डिग्री तो आंसर x की वैल्यू 50 डिग्री और y की वैल्यू 77 डिग्री है ना कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दिमाग वाले सोचने वाले बड़े मजेदार क्वेश्चन है नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू प्रूफ का बेस पर सवाल है चलिए करते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स और अच्छा क्वेश्चन ध्यान से समझना ये क्वेश्चन में दे रखा है इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर ये दो मिरर हैं और आपस में पैरल है ना प्लेस पैरल टू ईच अदर पैरल रखे हुए हैं आपस में इन एन इंसिडेंट रे ए बी एक रे है ए बी मिरर ए पर स्ट्राइक हुई उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई किस डायरेक्शन में बीसी डायरेक्शन में और ये दूसरे मिरर से इंसिडेंट फिर रिफ्लेक्ट हो गई सीडी डायरेक्शन में इतना दे रखा है है ओके तो हमें ये करना है। ये करना लाइन सेगमेंट रे है ए भी पैरल टू है बस इतना गिविन है तो थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन क्या करें इससे नॉर्मल क्योंकि रे का सवाल है नॉर्मल ड्रॉप कर लो तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेंगे लिखूंगा मैं भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया चलो एम एन इसे बी एम नेम दे दिया और इसको एक सी से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इसको एक नेम दे दिया वो एम है तो ये एन दे दिया ये एम है ना एम और ये एन तो ये कंस्ट्रक्शन में मैंने फिगर अलग बनाई है क्योंकि बार बार दिखानी पड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन में ही लिख देता हूं क्वेश्चन अलग पेज पर करेंगे कंस्ट्रक्शन ये लिखना पड़ेगा है ना कंस्ट्रक्शन में क्या करा शॉर्ट में लिख दू ड्रॉ बी एम पर टू ये तो आपको पता है परपेंडिकुलर सिंबल होता है बी एम परपेंडिकुलर टू कौन सा मिरर है पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस ओके अब कुछ दो बात आपको एक ज्यादा बात मालूम होना चाहिए अगर टू लाइन पैरल हैं जैसे मिरर पैरल थी और हम अगर इस पर नॉर्मल ड्रॉ करें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो देखो ये कितना वो 90 90 डिग्री डिग्री है ये भी सेम एंगल तो ये भी क्या होते हैं बस ये यूज होगा अब बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है ये समझ में आ गया आपके आगे ना तो यहां मैं एंगल के नाम दे देता हूं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो लिखने में दिक्कत होगी ए बी एम आप ए बी एम लिखना चाहे ए बी एम लिख सकते हो यहां मैंने एंगल नाम दे दिए वन एंगल है ये एंगल टू है ओके थोड़ा बड़ा करूं ये लो और ये एंगल हमने दे दिया थ्री और ये एंगल या

क्या गलती पी डबल आर ओ एफ है चलो देखो दोबारा प्रूफ लो इसका ये देखिए पहले तो वो लिखोगे कि पी क्यू पैरल टू आर एस ये मेरा ये दिखा रहा हूं मैंने फिगर इसलिए अलग बनाई है बार बार दिखाने ये इसके पैरल है है ना और ये हमने अभी नॉर्मल ड्रॉ करे परपेंडिकुलर एंड बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू बी एम पी क्योंकि परपेंडिकुलर था एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस अभी हमने बताया था दो लाइन पैरल हो तो उन पर डालें तो वो भी आपस में पैरल होते हैं तो दिस इंप्लाइज बी एम पैरल होगा सी एन के ये बस समझना बाकी समझ में बाकी बहुत ईजी है ये समझ में गया मैं समझा दिया दो लाइन पैरल तो ये बी एम पैरल होंगे आपस में तो ये बी एम पैरल टू सी एन है तो इस फिगर में देखो देखो ये इसके ये इसके ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री होगा कैसा एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर देखो दिख गया ना मैंने ये ये एंगल और ये एंगल इक्वली तो हैं। क्यों, क्यों है क्योंकि ये इसके पैरल होगा क्योंकि ये पैरल थे दोनों मेरा हमने इस पर बी एम और सी एन परपेंडिकुलर डाला दो पैरल लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो आपस में पैरल होते हैं यानी कि ये पैरल है ये ट्रांसवर्सल ये एंगल ये एंगल लिख करो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा टू एंड थ्री तो वो लिख लो तो एंगल टू इट्स इक्वल एंगल थ्री इक्वेशन वन डाल दो और ये कौन से एंगल हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ओके यहां तक आपको समझ में आ गया क्लियर अब दूसरी बात यहां देखिए हमने रे लाइट पड़ी है ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे ये बीच में परपेंडिकुलर नॉर्मल तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कौन सा कहते हैं इंसिडेंट एंगल इक्वल टू इज इक्वल किसके होता है एंगल के, वो आई इज इक्वल टू आर आ। तो एंगल आर वन इक्वल टू एंगल टू लिखीजिए ओके तो मैंने यहां लिख लिया एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू यह होगी इक्वेशन सेकंड कौन सा मैं शॉर्ट में लिख दूं एंगल आई इक्वल टू एंग आर यहां से आ गया इंसिडेंट एंगल टू रिफ्लेक्टेड एंगल इसी तरह देखो नीचे देखो यहां पर ये भी तो नॉर्मल है ये अब इस मिरर के लिए क्या हुई इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड हो रही है टकराने के बाद वापिस जारी रिफ्लेक्ट हो रही है तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर वही इंसिडेंट रे इक्वल टू सॉरी इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल ओके तो नेक्स्ट लाइन पर ये लिख लिए कि एंगल थ्री इज इक्वल एंगल फोर ये इक्वेशन नंबर थर्ड वही इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आई इक्वल टू आर यहां तक समझ में आ गया ये बताओ आप जब ये समझ में आ गया तो देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री है एंगल वन इक्वल टू एंगल टू के है और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर के है इसका मतलब क्या सारे एंगल आपस में इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा एंगल वन इक्वल टू किसके हो जाएगा एंगल फोर के ठीक है ना एंगल वन इक्वल टू हो गया एंगल फोर के इसको एक डाल दो इक्वेशन नंबर फोर अभी मैं दोबारा समझाऊंगा ये क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड समझ लो देखो एंगल वन टू बराबर थ्री के है और थ्री बराबर फोर के है यानी कि एंगल और टू थ्री फोर इक्वल हो गए टू इक्वल टू थ्री थ्री इक्वल टू फोर अब टू इक्वल टू वन के भी है तो वन टू थ्री फोर चार इक्वल हो गए ना तो कोई सा भी एंगल किसके को लिख सकते हैं तो हमने एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर लिख लिया क्यों लिख लिया ये भी मैं बताता हूं देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है टू और थ्री के लिए में रखा है टू थ्री आपको फिगर दिखाता हूं ये एंगल टू ये रहा एंगल थ्री रहा अब टू में अगर वन प्लस कर दें पूरा एंगल मिल जाएगा और थ्री में फोर इसलिए हमने एंगल वन को एंगल फोर लिखा है अब ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ जाएगा सो तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये कैसे है अल्टर इंटीरियर तो ये लाइन पैरल होगी बस इसलिए करा है हमने तो एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर अब क्या करें एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर बस ये आंसर आ जाएगा लिखोगे एडिंग इक्वेशन वन एंड फोर वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में टू था और फोर में एंगल वन लेफ्ट हैंड साइड में वन में क्या है थ्री और फोर में है फोर एंगल थ्री प्लस एंगल फोर ओके अब फिर फिकर देखो आपने देख ली टू प्लस वन मिलकर क्या हो गया टू प्लस वन मिलकर हो गया ए बी सी और थ्री प्लस फोर मिलकर हो गया बी सी डी है ना तो ये लिख देते हैं तो टू प्लस वन हो गया एंगल ए बी सी इज इक्वल एंगल बी सी टी बस हो क्या वट दीज आर अल्टरनेट ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फिर देख लो फिगर एक बार और देख लो यही फिगर ये पूरा एंगल वन प्लस टू और ये पूरा एंगल ये दो लाइन है एक तो जेड बनाते बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर हो गए ना ये अल्टरनेट कैसे यहां से चले तो ये छोड़ के आ गया या क्लॉक वाइन ये छोड़ के आ गया एक एंगल छोड़ के बताया था हमने इंट्रो में तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया तो ये दो लाइन जो होती है वो हमेशा होंगी अगर इक्वल है तो पैरल और स्कर्वर्स अगर ये पैरल है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है तो दिस सो ए पैरल टू सी टी बस यही प्रूफ करना था तो दिस इंप्लाइज कि ए बी पैरल टू सी डी इट इज प्रूफ ये आपका प्रूफ हो गया ओके okay? ठीक है मुझे उम्मीद है आपको यह एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री के साथ अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर पुश कर लें जिससे कि मैं इसकी नेक्स्ट आगे की जो भी वीडियो डालू वो आपकी मिस ना हो क्योंकि उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें थैंक यू